हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैलड तो हमारे रेगुलर मील्स के हिस्से होते हैं। हम कई तरीक़ों से इसको बनाते हैं, तो आज हम बनाने वाले हैं कोल्ड पास्ता सैलड। एंड एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ डिश विच इज़ सर्व्ड कोल्ड, नॉट लाइक द रेगुलर पास्ता डिशेज लाइक वाइट पास्ता या फिर रेड सॉस पास्ता जो कि हम हॉट सर्व करते हैं। हम इसको कोल्ड सर्व करेंगे एंड दिस गोज वेल विथ एनी टाइप ऑफ डिशेज एंड इज़ वेरी गुड एज अ साइड डिश। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए इसके जो सैलड के इन्ग्रीडियंट्स हैं उनको हम एक बोल में डाल देंगे। तो यहाँ ऐड किया है मैंने कुछ कटी हुई कैबेज, कुछ फाइनली डाइस्ड कैरेट्स, थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ा खीरा या क्यूकम्बर, सम चॉप्ड एप्पल, दिस इज स्वीट कॉर्न जो कि फ्रोजन था, मैंने इसको बॉईल कर लिया है करीबन 5 मिनट के लिए एंड देन स्ट्रेन्ड एंड एडेड इट। और कुछ अनारदाना लिया है मैंने फ्रेश। अब हम कुछ मैक्रोनी पास्ता को बॉईल करने देंगे और तब तक अब हम ड्रेसिंग बना लेंगे अपने पास्ता सैलड के लिए। तो उसको बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप हंग कर्ड। आप नॉर्मली दही ले लीजिए एक चाय के स्ट्रेनर में और उसको करीबन हाफ एन आवर स्ट्रेन होने दीजिए, आपका हंग कर्ड रेडी होगा। यहाँ मैंने होममेड मेयोनीज लिया है 2 टेबलस्पून। होममेड मेयोनीज की रेसिपी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ आपका फ्रेश क्रीम लिया है मैंने, कुछ ग्रीन चिली चॉप कर लिए बारीक, ज़रा सा चिली फ्लेक, हनी लेंगे 1 टेबलस्पून करीब, एक टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है यहाँ पे, एक टीस्पून काला नमक या ब्लैक सॉल्ट, और एक टीस्पून हम नॉर्मल सॉल्ट लेंगे। कुछ कटी हुई कोरिएंडर लीव्स लेंगे, अब इसे अच्छे से हम मिलाएंगे जब तक कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल ना जाए। तो लीजिए हमारी ड्रेसिंग अभी रेडी हो चुकी है। इन द मीन टाइम हमारा मैक्रोनी पास्ता भी बॉईल हो गया था जिसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब सीधे इसको हम हमारे फ्रूट्स एंड वेजीज के मिक्सचर में ऐड कर देंगे, इनको अच्छे से मिला देंगे। अब हमारी ड्रेसिंग भी इसमें ऐड कर देंगे और इन सभी को अच्छे से मिला देंगे। तो लीजिए हमारा यमी सा कोल्ड पास्ता सैलड रेडी है। आप चाहे तो इसको 10 मिनट बाद एज इट इज़ सर्व कीजिए, या फिर जैसे मैं करती हूँ, मैं इसको अगर संडे को सर्व करना होता है लंच के साथ तो एक दिन पहले इसको बना के रख देती हूँ
ऐसे क्लीन फ्लेम से इसको कवर कर देती हूँ और इसको फ्रिज में डाल देती हूँ। और संडे को लंच के करीबन एक घंटे पहले इसको फ्रिज से निकाल के इसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आने देती हूँ और उसके बाद इसको सर्व कर देती हूँ। लीजिए, हमारा क्रीमी एंड डिलीशियस कोल्ड पास्ता सैलड इज़ रेडी टू ईट। आप इसको एज अ साइड डिश किसी भी टाइम यूज इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एज अ सच आप इसको फुल मील हिसाब से भी ले सकते हैं। इसमें ढेर सारे फ्रूट्स एंड वेजीज हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो चलिए इसको सर्व कर देते हैं। मेरे पास जो भी फ्रूट्स एंड वेजीज थे मैंने उसको इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें और फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, मैंगोज, वॉट एवर यू लाइक आप डाल सकते हैं। ये तभी भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों, अपने घर में इसको ज़रूर से बनाइएगा। ये बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। सो डू गिव इट ट्राई एंड कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसी लगी।